हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 12 का एक और मॉडल क्लास 10 का एक और मॉडल पेपर लेकर आए हैं। उसको सॉल्व करते हैं, किस सिंपल ही तरीके से देखते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य गुणनखंड युग्म है? तो इसमें से आपको सा अभाज्य गुणनखंड रूप में देखिए, आपको चार ऑप्शन दिख रहा होगा। तो जिसमें से आप देख सकते हैं कि जो सा अभाज्य गुणनखंड संख्या वह होती है जिनके दोनों का जो है मासा क्या हो, जिनका वन होता है, उसी को हम सा अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 लिखा है, एक में पहले में लिखा है आपका क्या 14 लिखा है और क्या लिखा है 35, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका मासा आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 × 14 7 × 5 = 35, तो ये हमारा होगा नहीं आंसर। और उसके बाद जो है दूसरा इसका जो प्रश्नावली देख सकते हैं 18 और 25, ये आपस में नहीं, देखिए आपस में नहीं कटेंगे, इनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, 1 होगा, और यही इसका मासा होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही सा अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो है पहले का था ये, अब पहले का खा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। खा क्या है वो देख सकते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित द्विघात समीकरण 3x^(x^2 − 4x) = मूल का गुणनफल ज्ञात करना है। क्या है 3x^2 − 4x = 0, इनका मूलों का जो है गुणनफल ज्ञात करना है। तो सिंपल तरीके से आपको देख सकते हैं कि इसका कैसा, देखिए मूलों का गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है, लेकिन हमें क्या पूछा है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है α×β = c/a होता है, α×β = c का मान अचर रहे होता है, अचर संख्या यहाँ पर है नहीं, तो उसको हम क्या लेंगे 0 लेंगे, और c का मान 3 है और 0 में डिवाइड कर देंगे, क्या है 0 ले लेंगे। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा 0 होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गा वाला, पर ये हमारा पहले का खा था, हम गा देखेंगे। तो गा क्या है, देखिए गया क्वेश्चन आप देख सकते हैं, समरूप त्रिभुजों की विशेषता क्या होती है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं आप समझ लीजिए। उनकी संगत भुजाएं के समानुपाती होता है, हाँ जो दो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजा का समानुपाती होता है, ठीक है। उनके संगत कोण बराबर होते हैं, हाँ संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो इस तीसरा ने दिया है उपयुक्त में से दोनों, हाँ उपयुक्त में से जो है उपयुक्त में से दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं, लास्ट वाला नहीं सही है, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका राइट होगा। यहाँ पर पहले का घा देख सकते हैं, पहले का घा में क्या लिखा हुआ है, पहले का घा में लिखा है cos 60 और sin 30 अंश, cos 60 अंश cos 30 अंश और माइनस sin क्या है 30 और sin 60 अंश, जो इस प्रकार आपसे दिया गया है। तो इसका मान क्या होगा आप जानते हैं, cos 60 अंश का मान होता है 1/2, cos 30 अंश का मान √3/2 माइनस साइन 30 अंश का मान 1/2, ये √3/2, इसका हम गुणा करेंगे √3/2, यहाँ 4 ही हुआ, √3 + √3 2×2 = 4, माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसका मान आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहले का घा वाला भी देख लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का घा अंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। देखो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है बहुलक, माध्य और माध्यिका, जो हमने यही तो पढ़ा है ना। तो क्या पढ़ा है, पहले हमने माध्य पढ़ा, उसके बाद माध्यिका पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा बहुलक पढ़ा। तो ये हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, इनको कहते हैं। और जो हमारा लास्ट में बचा मानक विचलन, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा मानक विचलन, ये नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, ये चौथा वाला इसका, ठीक है, ये होंगे और ये वाले नहीं होंगे। तो यहाँ पर दिया है चा वाला देखेंगे, पहले का चा क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन, दो बिंदुओं के निर्देशांक दिया है आपको, कह रहा है एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, दो बिंदु का निर्देशांक, एक -8, 0 है और दूसरा क्या है 0, -8 है।
तो आपसे पूछ रहा है इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी यहाँ का जो वैल्यू होगा वो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आप ज्ञात कर सकते हैं सिंपल तरीके से, क्या है फार्मूला क्या होता है, x बराबर x1 x2 बाई 2, x1 की वैल्यू आप देख सकते हैं -8 और यहाँ पर क्या है x1 x2 0 बाई 2। ये आपका x1 होता है, ये y1 होता है, ये आपका x2 होता है, ये y2 होता है। अब इसको क्या -8 यहाँ काटेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। वाई का मध्य बिंदु पर में क्या होता है वाई वन प्लस वाई टू बटे में क्या 2, 0 माइनस 8 बाई 2 माइनस का 8 बाई 2 काट देंगे तो क्या माइनस का 4। तो एक्स कॉमा वाई का जो निर्देशांक होगा वो -4, -4 होगा, जो ये आंसर होगा वो टिक कर दीजिए। ठीक है, ये आपका जो है सही है। इस तरीके से मध्य बिंदु परमेय का हम निकाल सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, अब देखो फर्स्ट का हो गया, अब दूसरे का हम देखेंगे। तो दूसरा का क्वेश्चन क्या का, दूसरे का हम देखेंगे। ठीक है, दूसरे का काम में क्या है लिखा है, बस सिंपल है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और इनका मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा क्या क्वेश्चन 2x² - 4x + 3 = 0। तो इनका पहले हम देखेंगे विविक्तर दिखा लेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि ये वास्तविक है काल्पनिक, उसका मूल वही पूछना प्रवृत्ति बताइए। तो क्या करना है, हमारा फार्मूला होता है b² - 4ac = 0। तो b² का मान क्या है -4 है, और 4 यहाँ 4, a का मान 2 है और c का मान 3 = 0। तो यहाँ पे 4 × 16 माइनस हो जाएगा, 6 × 24 a² यहाँ घटाएंगे तो -8 हो जाएगा, ये जो 0 है 0 से क्या हो गया छोटा हो गया। जब हमारा 0 से छोटा हो, जो मान आते हैं 0 से छोटे हो जाते हैं और या तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या, यानी ये एक काल्पनिक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या नहीं है। बस यही करना था हमें। तो आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। लिखा है cot a बराबर जो है, यदि क्या दूसरे का खा, दूसरे क्या दिया है 15 cot a इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए इसका मान sin a का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए और क्या है sec a का मान। तो हम ऐसे देख सकते हैं, इसको हम नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा cot a बराबर क्या हो जाएगा 8/15। तो हम जानते हैं cot tan का उल्टा होता है, तो tan a बराबर क्या लिख सकते हैं 15/8। तो tan थीटा का फार्मूला हम जानते हैं लंब बटे आधार होता है, तो एक हम त्रिभुज बनाएंगे तो इसमें लंब क्या करेंगे हम, लंब कितना है 15 है, आधार कितना है 8 है। जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो हम जान लीजिए कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होता है, हमें क्या ज्ञात करना है साइन का। तो साइन ए का जो हमारा फार्मूला होता है लंब बटे कण होता है, लंब कितना है 15 है और कण कितना है 17 है, और सेग का क्या होता है कण बटे आधार होता है, तो कण कितना है 17 है और आधार कितना है 8 है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज यानी गा का देखते हैं। दो समरूप त्रिभुज यानी एरिया ऑफ ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो 121 सेमी स्क्वायर है, और एरिया ऑफ पी क्यू आर का जो है 289 सेमी स्क्वायर है। अब कह रहा है कि इनका ये है तो मतलब क्षेत्रफल का ये है तो क्षेत्रफल ये दिया गया है तो इनकी संगत भुजा का अनुपात क्या होगा। देखो क्या होता है, जो इनकी क्षेत्रफल का एक प्रमेय होता है एरिया इनकी संगत ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर इनके संगत भुजा यानी ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी सी का मान दिया है 121, पी क्यू का मान दिया 289, यहाँ पर ए बी
बटे पी क्यू, इनकी संगत भुजा का स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल करने के लिए इसको हम 11 कर देंगे, 279 17 का वर्ग है, तो यहाँ पे वर्गमूल है 17 का वर्ग, तो ये आपका ए बी बटा क्या हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 11/17 ए बी अपॉन पी क्यू, यानी जो उनकी संगत भुजा का अनुपात हो जाएगा 11/17 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, घा वाला देखते हैं, और क्या है दूसरे का घा, दूसरे का घा ये है क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है कि किसी बंटन का माध्य जो है 16 दिया हुआ, क्या दिया है माध्य आपका जो है दिया है 16, तो हम लिख लेते हैं माध्य बराबर हमारा क्या है 16 है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि बहुलक आपका दिया है, बहुलक, बहुलक बराबर क्या होता है आपका दिया है 13, बहुलक बराबर 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए, क्या है बंटन का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमारा एक फार्मूला होता है ये वाला, बहुलक, बहुलक बराबर होता है क्या माध्यक, माध्यिका माइनस माध्यिका का 3 गुणा और माध्य का 2 माध्य के बराबर होता है। तो बहुलक का मान मान लेते हैं 16 है, ठीक है, यहाँ पे 3 लिख ले, सॉरी माध्यिका, बहुलक कितना है 13 है, यहाँ 3, माध्यिका क्या होगा हमारा क्या लिखेंगे माध्यिका, नहीं दिया है यहाँ पे m लिख लेते हैं माध्यिका के लिए, 2, माध्य देखिए कितना है 16, जो क्या होता माध्यिका में जो 3 गुणे में 2 गुणा का घटा देते हैं तो हमारा क्या आता है बहुलक आता है, तो ये आपका 13 हो जाएगा, 13 3 है माइनस 16 दूना 32, इधर आएगा 13 प्लस क्या है 32, ये हो जाएगा माध्यिका, तो क्या हो जाएगा आपका इसको जोड़ेंगे 45, 3m काटेंगे 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो इसका माध्यिका क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। इस तरीके से इसको, वीडियो लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच।